हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, गेट का इस्तेमाल बहुत ही तरीके से हम करते हैं। गेट का मतलब बहुत कुछ होता है, पाना, लेना, करना। बट यहाँ पर हम आज गेट का जो कॉजेटिव है, जो कॉजेटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, उसको हम सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा टिपिकल भी है, मीन्स थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो शुरू करते हैं क्लास को। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, गेट, गेट का इस्तेमाल हम जब एज अ कॉजेटिव वर्ब करते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम कॉजेटिव वर्ब का मतलब यह है कि जब हम किसी सेंटेंस में गेट का इस्तेमाल करते हैं एज अ कॉजेटिव वर्ब, और इसमें दूसरा वर्ब भी होता है, सेकेंडरी वर्ब भी होता है, तो वहाँ पर उसका जब अर्थ होता है कि हम काम किसी और से करवाते हैं, हम खुद काम ना करके किसी और से करवा रहे हैं या करवाते हैं या करवाया, तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं। सेंटेंस मैंने लिखा है, मैंने अपने बाल कटवाए। ओके, मैंने अपने बाल कटवाए, मैंने कटवाया किसी और से, किसी और ने काटा मेरा बाल। यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है? बाल काटने का काम हो रहा है, लेकिन कटवाया मैंने, बट काटा किसी और ने, यानी कि काम जो किया कोई और था और काम जो करवाया कोई और था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम किसी निर्जीव चीज़ की बात करेंगे, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, और वो कॉजेटिव वर्ब वाला होगा, तभी हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बाल, हम मैंने अपने बाल कटवाए, तो बाल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। जब यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होगा तब वहाँ पर गेट का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, डायरेक्ट हम किसी सजीव थिंग से, कोई सजीव चीज़, किसी सजीव चीज़ से कुछ करा रहा है, डायरेक्ट बोला जा रहा है, तो वहाँ पर गेट का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, गेट का इस्तेमाल तभी होगा जब हम किसी निर्जीव थिंग्स के लिए किसी काम को होने या करने की बात बोल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अपने बाल कटवाया, तो बाल निर्जीव है, इसके लिए यहाँ पर हम ऐसा, इसका जो मेकिंग स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा हमेशा। ओके फ्रेंड्स, गेट वाले जो कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा क्रिया का तीसरा रूप आता है, फिर उसके बाद अदर्स। तो जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला कि मैंने अपने बाल कटवाए, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद गेट, यहाँ पर गॉट होगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके फ्रेंड्स, पास्ट इनफिनिट टेंस का सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पर हम गेट के जगह पर गॉट का इस्तेमाल करेंगे। एक बात ध्यान रखना आप कि किसी भी सेंटेंस में, कॉजेटिव सेंटेंस में, जो कॉजेटिव वर्ब ऐसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं गेट का, तो गेट हमेशा सेंटेंस के टेंस के अनुसार से चेंज होगा। ओके फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में गेट ही मेन वर्ब होता है, न कि दूसरा। यहाँ पर बाल कटवाना यानी कि कटाना हुआ, कटाना मेन वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर गेट ही मेन वर्ब होगा। इसलिए जो भी चेंजिंग होगा एज अ टेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस, वो गेट के साथ हेरफेर करेंगे, न कि वर्ब जो इसमें दिया है उसके साथ। ओके फ्रेंड्स, और वी थ्री तो इसमें लगता ही है गेट वाले के साथ। ओके, तो सब्जेक्ट में हो गया आई, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए आई गॉट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने अपने बाल, माई हेयर, आई गॉट माई हेयर कट। अभी कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट कट कट। ओके फ्रेंड्स, उसने मेरी बुक छपवाई, उसने मेरी बुक छपवाई, तो उसने मेरी बुक छपवाई, यहाँ पर छापना मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पर मेन वर्ब है गेट, इतना आप याद रखना। जो भी चेंजिंग होगा टेंस के हिसाब से वो गेट के साथ होगा, और वी थ्री तो हमेशा उधर रहेगा ही। ओके फ्रेंड्स, तो उसने मेरी बुक छपवाई, He got my book printed. Okay friends, ऐसा नहीं है कि इन sentences को हम सिर्फ past indefinite tense में ही बोलेंगे, हम present में भी बोल सकते हैं, future में भी बोल सकते हैं, चाहे sentence जिस tense में भी हो उस tense में हम बोल सकते हैं। जैसे अगर इसको हम पहले tense को लेते हैं,
कि मैंने अपने बाल कटवाए, मैं अपना बाल कटवाता हूँ। आई गेट माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाऊंगा। आई विल गेट माई हेयर कट। ओके फ्रेंड्स, उसने मेरी बुक छपवाई। ही गॉट माई बुक प्रिंटेड, वह मेरी बुक छपवाता है। ही गेट्स माई बुक प्रिंटेड, वह मेरी बुक छपवाएगा। ही विल गेट माई बुक प्रिंटेड। ओके फ्रेंड्स, कहीं पर हम किसी भी सेंटेंस के हिसाब से जो भी टेंस होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका, उसके हिसाब से हम बनाएंगे, लेकिन जो भी चेंजिंग होगा वो गेट के साथ होगा। ओके, आपको मेरी बुक छपवानी चाहिए। यू शुड गेट माई बुक प्रिंटेड। आप मेरी बुक छपवा सकते हैं। यू कैन गेट माई बुक प्रिंटेड। ओके फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस है, मेरे पिताजी ने एक नया घर बनवाया है। मेरे पिताजी ने बनवाया है एक घर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी निर्जीव की बात कर रहे हैं। याद रहे, हमेशा सेंटेंस में जब निर्जीव की बात करेंगे तभी हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पिताजी ने एक नया घर बनवाया है। क्या बनवाया है? घर बनवाया है, तो घर निर्जीव हो गया। माई फादर हैज गॉट अ न्यू हाउस बिल्ट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी टेंस होगा उसके हिसाब से हम गेट का फॉर्म चेंज कर देंगे। तो माई फादर हैज़ गॉट अ न्यू हाउस बिल्ट। आपको अपने बाल कटवा लेने चाहिए। ये हो गया शुड वाला सेंटेंस, चाहिए वाला। यू शुड गेट योर हेयर कट। मुझे अपनी बुक छपवानी है। मुझे अपनी बुक छपवानी है। छपानी है मतलब जाना है, खाना है, पीना है, सोना है, ये वाला हैज टू, हैव टू वाला। ओके फ्रेंड्स, तो आई हैव टू गेट माई बुक प्रिंटेड। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसी से संबंधित और भी बहुत सारे सेंटेंसेस लेते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। आप इन्हें देखिए, स्क्रीन पर आता जाएगा, और आप अच्छी तरह से इन सेंटेंसेस को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, बट मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो समझ में आ जाएगा कि गेट का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने एक घर बनवाया है। ही हैज़ गॉट अ हाउस बिल्ट। सीता खेत पटवाती है। खेत पटवाती है मतलब खेतों की सिंचाई करती है, करवाती है। तो सीता गेट्स फार्म्स वाटर्ड। छात्रों ने परीक्षा रद्द करवा दी है। स्टूडेंट्स हैव गेट द एग्जाम कैंसल्ड। वह तुम्हारा घर बिकवा देगा, यानी कि बेचवा देगा। ही विल गेट योर हाउस सोल्ड। वह कुर्सी बनवा रहा है। ही इज गेटिंग अ चेयर मेड। दरवाजा खोलवाओ, गेट द डोर ओपन्ड। क्या तुम मेरी कविताएं छपवा दोगे? विल यू गेट माई पोएम्स प्रिंटेड। वह कपड़े धुलवाता है। He gets clothes washed. मैंने सभा स्थगित करवा दी। I got the meeting postponed. लोगों ने कूड़ा करकट हटवाया। People got garbage removed. उसने पेड़ लगवाए। He got trees planted. वह काम शुरू करवाएगा। He will get the work started. वह काम करवा रहा है। He is getting the work done. मेरे पिताजी खेत जुतवा रहे हैं। My father is getting farm plowed. मेरे पिताजी खेत जुतवा रहे थे। My father was getting farms plowed. मैंने रेडियो रिपेयर करवाना था। I had to get my radio repaired. तुमने बाल क्यों नहीं कटवाए? Why did you not get your hair cut? उसे घर बनवाना है। He has to get a house built. Okay friends, उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे examples देख के आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे गेट को लेकर, कॉजेटिव वर्ब गेट को लेकर, वो सारे दूर हो गए होंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा
मुश्किल ज़रूर है गेट वाला कॉजेटिव वर्ब गेट का इस्तेमाल सीखना, बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप अगर आप जोर लगाएंगे दिमाग पर तो बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि गेट का इस्तेमाल एज अ कॉजेटिव वर्ब हम कब करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए, और अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप घर बैठे इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए। हमारे चैनल पर जाने के बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर आपको प्लेलिस्ट लिखा नजर आएगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद सारे प्लेलिस्ट खुल जाएंगे और सबसे जो ऊपर वाला प्लेलिस्ट है इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे वीडियोज आ जाएंगे और इन सारे वीडियोज़ को आप ऊपर से शुरू करना देखना और एक एक करके देखना।